आप देख सकते हैं राघव मिश्रा आ चुके हैं, राघव मिश्रा। नमस्ते, हम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं तीसरे दिवस की कथा श्रवण करने के लिए। तो आज हम चलते हैं अंदर और आप लोगों को बताते हैं प्रदीप जी मिश्रा के बेटे सुपुत्र राघव मिश्रा कथा कर रहे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे टेंट डाला नहीं है। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको खाने की और क्या बोलते हैं व्यवस्था सारी मैं बताने वाला हूँ। कपरेश्वर बाबा आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे कथा भी स्टार्ट होने वाली है, और अभी राघव आए नहीं हैं कथा करने के लिए, लेकिन जल्द आने वाले हैं तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आप ये भीड़ देख सकते हैं, महापुराण चल रही है। आप देख सकते हैं राघव मिश्रा आ चुके हैं, मंच पे पधारेंगे राघव मिश्रा। आप देख सकते हैं कथा स्टार्ट हो गई है राघव मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा। और अभी हम जा रहे हैं प्रसादी ग्रहण करने के लिए अंदर रसोई में। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं भोजन क्या क्या मिल रहा है अभी यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर भोजनशाला की ओर, विटले सेवा समिति यहाँ पे भोजनशाला है, तो यहाँ पे भोजन करके बताते हैं आप लोगों को। तो चलते हैं अंदर। तो अभी आप अंदर जाने के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा पहले खाने का, तो यहाँ से टोकन ले लेते हैं। यहाँ से दान पात्र के जैसे टोकन मिलेगा, तो यहाँ से टोकन ले लेते हैं खाने का। तो ये टोकन मिल गया है फ्री का, तो फ्री में मिलता है ये वाला टोकन। तो अभी चलते हैं अंदर और कथा चल रही है यहाँ पे, और अभी चलते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए अंदर भोजनशाला की ओर। टोकन लेना है क्या? कहाँ से? वहाँ से। तो यहाँ से आप प्लेट ले लेंगे और यहाँ से उठा लेंगे। अपन को मिल गई है थाली, पर अब चलते हैं वहाँ से भोजन लेने के लिए। वहाँ से सामने आपको मिलेगा भोजन। कथा चल रही है लेकिन यहाँ पे भोजन भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चल रहा है भोजन, ऐसा नहीं है कि कथा के बाद आपको भोजन मिलेगा। वो कंफ्यूजन दूर
दो मिनट। से हमको खाना मिल चुका है, अभी चलते हैं, बैठ के ग्रहण करते हैं बाबा भोलेनाथ का प्रसाद, कुबेर भंडारी का, और फिर उसके बाद कथा सुनेंगे। तो हम लोगों ने भोजन ग्रहण कर लिया है भोजनशाला से, और अभी गुरु जी ने कथा स्टार्ट कर दी थी, तो अपन चलते हैं। आप लोगों को बताता हूँ कथा, जैसे ही वो ना पंडित जी के आ रहे थे खड़ा होता अपना फन फैलाता भैया, वैसे ही वो जो पंडित जी थे वो तो पूरे उनको पसीना आने लगा उसकी पेट में ना, और डरे हुए उनको भैया कहाँ से लगे वो है ना भागते भागते वापस मंडप में आए, शामिल के पीछे पड़ गया, वो भाग रहे शामिल के पीछे भाग रहा, अब वो वापस मंडप में आ, वो जो मंडप था ना पार्वती और शिव जी की वेदा का मंडप था वो वापस आ रहा, शिव जी बोलते हाँ अगर देखो ब्रह्मा जी को इशारा करते बोला आ गए वापिस, तब भगवान जो वो पंडित जो आए और पंडित जी आए अब भैया जो जब मंत्र पढ़ना चालू करे पूरी एक सांस में सारे मंत्र पढ़े पांचों पांच फेरे एक साथ ही लगवा दी, भैया छठवा फेरा था अब वो छठवा फेरा क्या होता वो हाँ उल्टे उलट पटा का फेरा आता है, अब उलट पटे का फेरे में भैया क्या होता है वो जो कोई माता जी कहती है कि हमारा पति तो वो बहू की सुनने लगा, वो बहू की सुनने नहीं लगा, वो छठवा जो फेरा था जो उलट पटे का फेरा जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा गुरुदेव जी ने कल बताया था कथा में जब कथा समापन हो पाई, तो उलट पटे का फेरा होता है और उसमें जो वो फेरा होता है उसमें जो वो पति रहता है वो अपनी पत्नी की तरफ थोड़ा सा समर्पित होता है, अब वो माता जी कहती है भैया मेरे पग में वो भक्ति तो हमारी पत्नी की सुने हैं क्या हमारी, तब वो जो पंडित जी है ना वो बोलते हैं कि अरे वो पत्नी की सुने नीचे वो फेरा लगा था छठा वाला वो उसमें ही वो थोड़ा सा वो वहाँ पति बदल वो तुम्हारे बेटे ही बदल गया वाला, अच्छा भैया ऐसे माता पूरे सात फेरे शिव जी के हुए और उनका विवाह संपन्न हुआ, अब पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ है तो अब थोड़ा भजन बनता है कि नहीं बनता, बोलो बनता है कि नहीं बनता, अब तो भैया थोड़ा खड़े हो जाना नाचना भैया, तो शिव जी ने मैं बोल के रखा कि जो लोग नहीं नाचे ना वो मेरी बराती नहीं, भैया चालू हो जाए।